मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के काला संधी के किनारे पर स्थित गड़िया घाट वाली माता जी का मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है कि मंदिर में पिछले 5 साल से एक दीपक लगातार जलता आ रहा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि ये दीपक घी या तेल से नहीं बल्कि पानी से जलता है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में जो दीपक जल रहा है वह सिर्फ पानी से जलता है। दीपक में काल सिंधी नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। जब दीपक में पानी डाला जाता है तो वह तेल की तरह चिपचिपा हो जाता है और दीपक जलने लगता है। लेकिन यहाँ के लोगों की माने तो ये सब माता जी का चमत्कार ही है। देवी के इस मंदिर में होने वाले चमत्कार को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। जब वह अपनी आंखों से पानी का दीपक जलता हुआ देखते हैं तो उनका मंदिर और देवी के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं और हर मंदिर अपने आप में खास है, लेकिन हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह राजस्थान के दौसा जिले में स्थित घाटा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। अगर किसी को भूतिया प्रेत ने अपने वश में कर रखा है और छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर इन बाधाओं से छुटकारा दिलाने का सबसे उत्तम स्थान है। इस मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। कहते हैं कि कई सालों से हनुमान जी और प्रेत राजा अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे। भूत और प्रेत काले जादू से ग्रसित लोगों को यहाँ लाया जाता है और वह सभी बाधाओं से मुक्ति पा लेते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को इन पीड़ाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग माना जाता है। मंगलवार और शनिवार के दिन लोग यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। कई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीर से बांधकर मंदिर में लाया जाता है। पीड़ित लोगों को मंदिर में लाते समय यहाँ का दृश्य इतना भयानक हो जाता है कि सामान्य लोगों की रूह कांप जाती है। यह पीड़ित लोग मंदिर में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर अपने अंदर की बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं, जिनसे इन पीड़ित लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ की चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। इसके चरण में एक छोटी सी कुंडी है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यह मंदिर काफी शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इसलिए यह मंदिर राजस्थान में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी विख्यात है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।